बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज। माय नेम इज़ सना निसार एंड टुडे इज़ आवर 13th लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13 एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ग्रुप 7 हैलोजन्स। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप 4 दैट इज़ कार्बन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट और रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था और ग्रुप 4 को एंड किया था। आज के लेक्चर में हमने अपने लास्ट ग्रुप को डिस्कस करना है, दैट इज़ ग्रुप 7। सबसे पहले तो आपको ग्रुप 7 के जो जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्रुप 7 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो ग्रुप 7 का सबसे पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। लास्ट एलिमेंट होता है एस्टेटीन, लेकिन क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अब स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने इन एलिमेंट्स की एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, इनकी स्ट्रेंथ देखनी है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और लास्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन्स एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमें किसी भी एटम के साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा उस एटम का साइज स्मॉल होगा, और जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उस एटम का साइज जो है वो लार्ज होगा। सो एटॉमिक रेडियस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ एटम। अगर हम लोग हैलोजन्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखें, सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और इसकी रीज़न क्या है? जब हम फ्लोरीन से ऑनवर्ड मूव करते हैं अप टू आयोडीन, तो शेल्स ऐड होती हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में न्यू शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और जिसे हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जी इफेक्टिव वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो अगर आप लोग ग्राफ में देखें तो ग्राफ के एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया गया है एलिमेंट्स को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और वाई एक्सिस पे एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है नैनोमीटर में। नैनोमीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। तो आप ये देखें कि जब हम ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं फ्लोरीन से ऑनवर्ड, जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो आयोडीन का, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस जो है वो फ्लोरीन का है। और इसकी रीज़न भी क्या है? शेल्स ऐड हो रही हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो कम होता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट, और द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ। ठीक हो गया। सो हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, हाई हैं, पूरे प्रोडक्ट टेबल को अगर हम लोग कंपेयर करें हैलोजन्स से। सो हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हम ऑनवर्ड अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं प्रोडक्ट टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि ऑनवर्ड ग्रुप 1 से ग्रुप 2, 3, 4 सो ऑन जब हम मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो हैलोजन्स क्योंकि 7th ग्रुप में आते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हाई होती हैं, और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करती हैं। सो अब जो हैलोजन्स हैं उनकी पूरे प्रोडक्ट टेबल में कंपैरेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं वो हाई हैं। दीज वैल्यू डिक्रीजेज एज वी प्रोसीड फ्राम फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप। लेकिन जैसे जैसे हम फ्लोरीन से डाउनवर्ड मूव करते रहे तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज करती जाती हैं, क्योंकि जब हम फ्लोरीन से ऑनवर्ड आयोडीन तक मूव करते हैं साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एटम का साइज बड़ा होता जाता है क्योंकि उसमें शेल्स ऐड हो रही हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट के ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो रही है। अगर न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा तो शेयर पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा. सो ड्यू टू डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउनवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है. सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है, दैट इज 4. और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है. आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है. लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज ऑफ हेलोजन एटम इंडिकेट दैट एक्स मीन्स हेलोजन एटम हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म एक्स नेगेटिव आयन. यहाँ पे एक्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेलोजन्स की है, मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब क्योंकि पूरे प्रोडक्ट टेबल के कंपेरेटिवली हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हेलोजन्स भी एबिलिटी होती है कि वो अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उनके ऊपर माइनस वन चार्ज आ जाए, मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मीन्स ये एनॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इस वजह से ये इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये अपने आप को एनॉइन में कन्वर्ट कर सके, मीन सिंपल एफ से एफ नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, एफ नेगेटिव एनॉइन में कन्वर्ट कर सके. ठीक हो गया. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आपने ग्रुप वन ग्रुप टू में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल ऑपोजिट है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि जब आप किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर वन मोल ऑफ एटम्स इन गैशियस स्टेट उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है एटम को. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी. ठीक हो गया. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो एनर्जी है दैट इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है. और ये एनर्जी तक कब रिलीज हो रही है, जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड अप कर रहे हैं. ठीक है, तो वो स्टेबल हो रहा है एटम और स्टेबिलिटी की वजह से वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज कर रहा है. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऐड अप इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं. तो अगर आप इसको आयनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी और ये ऑपोजिट है. जब किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी देते हैं तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो सप्लाई करनी पड़ती है. और अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यूज हैं इट डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन. जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज करती है. सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिपेंड कर रही होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे. जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो शेल्स ऐड हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइज बड़ा हो रहा है. साइज बड़ा होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, सही है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करेगी. तो जब हम क्लोरीन से ऑनवर्ड आयोडीन तक मूव करते हैं तो क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज करती है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन के कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन कंपैरेटिवली कम है. हालांकि फ्लोरीन का साइज भी स्मॉल है और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी ज्यादा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन से कम है. सो The question is why the electron affinity value of fluorine is less than that of chlorine. तो इसका आंसर ये है because of the small size and increase in electronic repulsion, less amount of energy is released in case of fluorine as compared to chlorine. क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है और जब इलेक्ट्रॉन एडअप होता है तो उसकी पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्जन होती है, रिपल्जन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है. तो जो फ्लोरीन में से एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के एडअप होने में वो कम रिलीज होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इसलिए फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है. तो हम ये रीजन देते हैं स्मॉल साइज है फ्लोरीन का, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुआ है उसकी पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्जन हुई है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आई है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम है. सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल. तो जो फ्लोरीन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो न्यू इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कॉज करते हैं, अनस्टेबिलिटी आती है, और अनस्टेबिलिटी की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है फ्लोरीन से वो कम है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. अब क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, तो क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम होती है बल्कि नहीं होती एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, जिसकी वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है.
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. एज यू ऑल नो दैट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है कि वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस केस में जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन रेगुलरली इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरिन टू आयोडीन. अब इन केसेज में डाउनवर्ड हम मूव करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज़ कर रहा है. अब ये इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, यहाँ पर हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज को देखना है. ठीक है, एट्रैक्टिव फोर्सेज को देखना है. तो जब हम डाउनवर्ड यहाँ पे मूव करते हैं फ्लोरीन से ऑनवर्ड आयोडीन तक, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती जाती हैं. और अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती जैसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि जो हेलोजेंस हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एफ टू मॉलिक्यूल्स, सी एल टू मॉलिक्यूल, सिमिलरली लाइक ब्रोमीन, बी आर टू मॉलिक्यूल, आयोडीन, आई टू मॉलिक्यूल. सो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उन फोर्सेज पर डिपेंड करता है. जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं ये स्ट्रांग होती जाती हैं. जब स्ट्रांग फोर्सेज होंगी तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउनवर्ड इंक्रीज करता जाएगा. सो दिस इंडिकेट दैट द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम प्रोग्रेसिवली मोर प्रोमिनेंट. फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, इसका मतलब इनके दरमियान में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक हैं, तो इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. सिमिलरली जब हम ब्रोमीन पे आते हैं तो ब्रोमीन जो है एक हैवी लिक्विड है. अब ब्रोमीन की जो एट्रैक्टिव फोर्सेज है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज वो फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ये लिक्विड है. तो इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा हो गया. देन जब हम आयोडीन पे आते हैं तो आयोडीन में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. और सॉलिड को मेल्ट या बॉईल करने के लिए ऑब्वियसली लिक्विड और गैस से कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज कर रही हैं. फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है एंड आयोडीन सॉलिड है. जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग हो रही हैं, उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है हैलोजन्स के केस में. सो आपने ये बात याद रखनी है कि हैलोजन्स एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, सो इनके दरमियान होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और डाउन द ग्रुप जो हम मूव करते हैं तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करती चली जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉन्ड इंथैल्पी. सो बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, आपको आइडिया हो रहा होगा बॉन्ड और इंथैल्पी से. सो बॉन्ड इंथैल्पी इज द हीट नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल एटम्स. बॉन्ड इंथैल्पी एक एनर्जी है, हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. अगर हम किसी भी वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और जो भी मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर देंगे एटम्स में, सो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिया होगा वो गैशियस स्टेट में होगा, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगी मींस मॉलिक्यूल्स भी गैशियस फॉर्म में होंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगी वो भी गैशियस एटम्स होंगे. ठीक हो गया. सो अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें बॉन्ड एंथैल्पी की, तो अगर हम लोग क्लोरीन के मॉलिक्यूल को लें इन गैशियस फॉर्म Cl2, सो ये वन मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं. इसको हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करें कि जो वन मोल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जितनी भी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक कर जाएं और ये जो मॉलिक्यूल है ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी. ठीक हो गया. सो क्लोरीन को जो हमने मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिया है वो गैशियस स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बनी है एटम्स में वो भी गैशियस एटम्स बने हैं. सिमिलरली क्लोरीन के बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ब्रोमीन की. फॉर ब्रोमीन द रिएक्शन इज स्टिल फ्रॉम गैशियस ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स टू सेपरेट गैशियस एटम्स. अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो आपको पता है नेचुरली ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस केस में हमने कंडीशन लगाई है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने गैशियस फॉर्म में लेना है. वन मोल गैशियस मॉलिक्यूल्स ब्रोमीन के लिए हैं, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड उसको हमने बॉन्ड इंथैल्पी का नाम दिया है. और जब वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गई है वन मोल ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स में, तो वो कन्वर्ट हो गए हैं ब्रोमीन एटम्स में, और स्टेट क्या है, गैशियस स्टेट है. ठीक है, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो भी गैशियस स्टेट में होंगे, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी गैशियस स्टेट में होंगे. ये तो थी बॉन्ड इंथैल्पी की डेफिनेशन, दैट द इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू गैशियस एटम्स.
अब हम देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड हैलोजेंस के केस में. हमने चार हैलोजेंस को देखा है, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2 एंड आयोडीन I2. सो ये चार हमारे पास हैलोजेंस हैं, और इन हैलोजेंस, क्योंकि हैलोजेंस मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हमने इनकी बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड देखना है कि किस हैलोजन की बॉन्ड स्ट्रांग है और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, और किस हैलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कम है. सो द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन फॉल जस्ट एज यू वुड एक्सपेक्ट, बट द फ्लोरीन बॉन्ड इज डेविएटेड फ्रॉम द सीक्वेंस. इसका मतलब है कि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सो डाउनवर्ड जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती जाती है. इसका मतलब है बॉन्ड वीक होती चली जा रही है, लेकिन जो फ्लोरीन है वो एक रेगुलर बिहेवियर शो नहीं करता, वो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. फ्लोरीन की बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए क्लोरीन से, लेकिन फ्लोरीन की जो बॉन्ड है F2 मॉलिक्यूल के दरमियान में वो वीक होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. क्लोरीन के मुकाबले में वो बॉन्ड वीक होती है. अब इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? हम लोग जनरली रीज़न ये देते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप्स मूव करते जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप मूव करें तो एटम्स के साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, साइज़ लार्ज, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता जा रहा है, इसमें एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है. तो अगर हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, तो उसमें क्लोरीन के एटम्स के साइज़ को हम कंपेयर करेंगे ब्रोमीन के एटम्स के साइज़ से, देन आयोडीन के एटम के साइज़ से. जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो एटम का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में, ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान में और आयोडीन आयोडीन के दरमियान में, वो लॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि जो लार्ज साइज एटम्स होंगे उनके दरमियान बॉन्ड लॉन्गर होगी. सो डाउनवर्ड जब हम मूव कर रहे हैं बॉन्ड लॉन्गर हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है. बॉन्ड लॉन्गर जो होती है वो वीकर होती है, जल्दी ब्रेक हो जाती है. सो लॉन्गर बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड. सो वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम कहते हैं जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है. अब आयोडीन के एटम्स का लार्ज साइज है, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी भी कम है. अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें, तो जो फ्लोरीन है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का है अपने ग्रुप में, तो जो फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल है उसके दरमियान जो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के दरमियान बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, मीन्स उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू हायर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी रीज़न क्या है, इसकी हम रीज़न डिस्कस करते हैं. ड्यू टू वेरी स्मॉल फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ एज़ कम्पेयर टू अदर XX बॉन्ड लेंथ. अगर आप फ्लोरीन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ से, या ब्रोमीन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ है, या आयोडीन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ से, सो ये बॉन्ड बहुत स्मॉल है. दिस मेक्स द फ्लोरीन एटम्स इन F2 मॉलिक्यूल रिपेल ईच अदर एंड हेल्प द डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू फ्लोरीन एटम्स. स्मॉल साइज बॉन्ड होने की वजह से फ्लोरीन के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं. सो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन देखी जाती है, उस रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल ईजिली डिसोसिएट हो जाता है इन टू फ्लोरीन एटम्स. इस वजह से जो फ्लोरीन है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो बॉन्ड वीक हो जाती है और जल्दी ब्रेक कर जाती है. सो एज कम्पेयर टू क्लोरीन, फ्लोरीन की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कम है. सेकेंड पॉइंट है, XX बॉन्ड इन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉगर देन फ्लोरीन बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल. दिस इज ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन XX बॉन्ड इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल. क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉगर है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. फ्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट है, उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ईजिली ब्रेक हो जाती है, स्ट्रेंथ कम है, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है. तो यहाँ पर हम दो रीजन देते हैं. पहली रीजन तो ये देते हैं फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर, उसकी दो रीजंस हैं. पहली रीजन तो हम ये देते हैं फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, स्मॉल बॉन्ड लेंथ है फ्लोरीन एटम्स में, फ्लोरीन मॉलिक्यूल में. दो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो शॉर्ट बॉन्ड है. शॉर्ट बॉन्ड होने की वजह से जो फ्लोरीन एटम्स हैं दो F2, उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की होती है रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन. इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है और फ्लोरीन मॉलिक्यूल जल्दी डिसोसिएट हो जाता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. सेकेंड रीज़न हम ये देते हैं कि फ्लोरीन में कोई डी ऑर्बिटल नहीं होती, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होती हैं. सो इन दो रीज़न की वजह से जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड होती है वो वीक होती है और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन कंपैरेटिवली कम होती है. अब आप ग्राफ को देखिए, जो पर्पल ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हैलोजन्स को. सो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया एलिमेंट्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ली गई है, मींस एनर्जी ली गई है दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी बॉन्ड किलो जोल्स पर मोल में.
सो फ्लोरीन को अगर आप देखें तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्लोरीन से भी कम है और ब्रोमीन से भी कम है, मींस काफ़ी कम है बॉन्ड एंथैल्पी। और इसकी रीज़न दो हैं, स्मॉल साइज़ है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन हो रही है और डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, वीकर बॉन्ड है। सो कम एनर्जी लगती है फ्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए जो एफ टू मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कम है, जबकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और उसके बाद रेगुलर ट्रेंड है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की उससे कम। क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं फ्रॉम क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन तो जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता जा रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से जो बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्गर होती जा रही है, मीन ज्यादा होती जा रही है बॉन्ड, और लॉन्गर बॉन्ड वीकर होती है, जल्दी ब्रेक हो जाती है। सो क्लोरीन से ब्रोमीन की कम है बॉन्ड एंथैल्पी, ब्रोमीन से आयोडीन की कम है, और फ्लोरीन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है ड्यू टू स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बॉन्ड भी वीक है, स्ट्रॉन्गर नहीं। अब हम देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी इन हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड में बॉन्ड एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं, मींस यहाँ पे ये हैलोजन्स के एसिड हैं, मींस HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड HI आयोडिक एसिड। सो जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इनका ट्रेंड जो है वो रेगुलर है, मीन एच एफ की जो बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा है, देन एच सी एल की उससे कम, एच बी आर की उससे कम, एच आई की उससे, रेगुलर ट्रेंड है कि बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो डिक्रीज करती है। अब इसकी रीज़न क्या होती है, वेयर द हैलोजन एटम इज अटैच टू अ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हैलोजन एटम्स को हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच किया गया है। अब वहाँ पे जब हम लोग प्योर एफ टू मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से बॉन्ड शॉर्ट है और फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है। अब यहाँ पे एफ टू मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे एच एफ मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। सो एच एफ में एक हाइड्रोजन एटम है और एक फ्लोराइड का एटम है और दोनों एटम जो है स्मॉल साइज की है, बॉन्ड शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं होती। इसकी रीज़न ये है, एक तो फ्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सो एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा फ्लोरीन एटम है, सो फ्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्जन नहीं देखी जाती। रिपल्जन ना होने की वजह से अनस्टेबिलिटी नहीं आती, तो जो एच एफ बॉन्ड है, क्योंकि एच भी हाइड्रोजन भी स्मॉल साइज का है, फ्लोरीन भी स्मॉल साइज का है, तो उनके जो दरमियान बॉन्ड है वो शॉर्ट है और शॉर्ट बॉन्ड स्ट्रांग होती है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। और जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का साइज तो सेम है लेकिन हैलोजन का साइज इंक्रीज कर रहा है, क्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन से ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन से आयोडीन का साइज बड़ा है। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे हाइड्रोजन का साइज सेम रहेगा लेकिन हैलोजन का साइज इंक्रीज करता जाएगा, और जब साइज ऑफ एटम लार्ज हो जाएगा एटम तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज करेगी, तो जो लॉन्गर बॉन्ड होगी वो वीकर होगी। तो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती जाती है और लॉन्गर बॉन्ड वीकर होती जाती है, और वीकर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू डाउनवर्ड डिक्रीज कर रही है। एच एफ की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है और एच आई की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू सबसे कम है। सो देयर आर नो लोन पेयर ऑन हाइड्रोजन एटम, एज द हैलोजन एटम गेट्स बिगर द बॉन्ड पेयर गेट्स मोर एंड मोर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर, द अट्रैक्शन इज लेस एंड द बॉन्ड गेट्स वीकर, एग्जैक्टली वॉट इज शोन बाय द डाटा, देर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग इन दिस केस। एच एक्स के केस में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल है, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई डाउन द ग्रुप मूव करें, बॉन्ड लॉन्गर और वीकर होती जा रही है जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है, और एच एफ के दरमियान में कोई रिपल्जन नहीं देखी जा रही, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है कि वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्जन कर सके, इसलिए कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है और एच एफ स्टेबल मॉलिक्यूल है और स्मॉल साइज होने की वजह से शॉर्ट और स्ट्रांग बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो अब आपने ये देखा है कि अगर आप सिंपल एफ टू मॉलिक्यूल लें और एच एफ मॉलिक्यूल लें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक एच जो एफ टू मॉलिक्यूल है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम है और एच एफ मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि एफ टू मॉलिक्यूल के दरमियान में रिपल्जन होती है, दोनों फ्लोरीन के एटम्स हैं, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उनके पास रिपल्जन होगी जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी और बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी, जबकि एच एफ में फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर हैं लेकिन हाइड्रोजन के पास नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं होती, अनस्टेबिलिटी नहीं आती।
Now we move towards the next point, that is strength of halogens as oxidizing agent. अब हम halogens को देखेंगे कि उनकी oxidizing power क्या है. Oxidizing power का trend भी देखेंगे downward, जब हम move करते हैं कि oxidizing power increase करती है या decrease करती है. लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि oxidizing power होती क्या, oxidizing agent क्या होता है. A substance that has a tendency to accept one or more electron is said to show oxidizing property. ऐसा एक सब्सटेंस जिसके पास ये एबिलिटी हो, ये टेंडेंसी हो कि वो किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, मींस दूसरे को रिड्यूस कर दे, खुद ऑक्सीडाइज, दूसरों को दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज कर दे, खुद रिड्यूस हो जाए, सो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है. The halogens due to high electron affinity value have a great tendency to accept electrons. क्योंकि halogens की आपको पता है कि electron affinity की value ज़्यादा है, क्योंकि इनकी electronegativity पूरे periodic table में ज़्यादा है. electronegativity ज़्यादा होने की वजह से ability to attract electron ज़्यादा है, so इनकी electron affinity की value भी ज़्यादा है. अब electron affinity ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि electron gain करने की power इनमें ज़्यादा होती है, तो जब दूसरों से electron लेते हैं तो दूसरों को oxidize कर देते हैं, तो इनकी जो oxidizing power है वो बहुत strong है, oxidizing tendency बहुत strong है. The oxidizing property of halogens molecule is represented by, अगर आप halogens को water के साथ treat कराते हैं, so halogens water से electron ले लेगा और halogen water से electron लेके convert हो जाएगा into halogen acid HX and HOX, ठीक हो गया. So it has been seen that the value of electron affinity are decreasing from fluorine to iodine. अब हम discuss करते हैं electron affinity को, तो downward जब हम move करते हैं fluorine, chlorine, bromine, iodine, so जो effective nuclear charge है वो decrease कर रहा है, जिसकी वजह से जो electron affinity है वो भी decrease करेगी. अब जो oxidizing power है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे डिपेंड करती है. अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है. तो हम ये कहते हैं कि जब हम फ्लोरीन से आयोडीन पे मूव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज करती है. सो फ्लोरीन और आयोडीन की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और जब हम ब्रोमीन और आयोडीन पे आते हैं तो उनकी वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, मीन्स दे आर द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ट्रेंड क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, वेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेज. ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑल्सो डिक्रीजेज. सबसे हाइएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और सबसे लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, दैट इज ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से डायरेक्टली रिलेट करती है. जितनी एक एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा है, और पूरे ग्रुप में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा है. देन जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करती है. अब देखें, क्योंकि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो फ्लोरीन क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है. सिंस फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सीरीज, इट विल ऑक्सीडाइज अदर हैलाइडाइंस टू हैलोजन इन सोल्यूशन और वेन ड्राई. फ्लोरीन डिस्प्लेस अदर हैलोजन्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लोरीन को ट्रीट कराते हैं हैलाइड आयन सोल्यूशन के साथ, और वो हैलाइड मीन्स ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है सोल्यूशन, आयोडाइड आयन सोल्यूशन हो सकता है. सो फ्लोरीन क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके दूसरे सब्सटेंस से. सो ये करेगा, जिस हैलाइड आयन सोल्यूशन से इसको हमने ट्रीट करवाया है, उस हैलाइड आयन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस इलेक्ट्रॉन ले के खुद रिड्यूस हो जाएगा, मींस फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी हैलाइड आयन है उसको हैलोजन में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन हैलाइड आयन से लिए हैं, इलेक्ट्रॉन ले के उसको कर दिया है ऑक्सीडाइज, और इटसेल्फ हो गया रिड्यूस. अब क्योंकि फ्लोरीन खुद रिड्यूस हो रहा है, तो उस पर जीरो से चार्ज माइनस वन आ गया है, और हैलाइड आयन क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसमें माइनस वन से चार्ज जीरो पे चला गया है. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लोरीन क्योंकि स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑक्सीडाइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर आप फ्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे क्लोराइड आयन सोल्यूशन से, ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन से, या आयोडाइड आयन सोल्यूशन से, सो ये उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उनको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू सिंपल
क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल, और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइड आयन में। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लोरीन पे। सिमिलरली क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो फ्लोरीन से तो कम है लेकिन ब्रोमीन से ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है, सो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन से ज़्यादा है। इसका मतलब है क्लोरीन में अंदर ये एबिलिटी है कि वो ब्रोमीन को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सके। सिमिलरली ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन से ज़्यादा है, तो ब्रोमीन में ये एबिलिटी है कि वो आयोडाइड आयन सॉल्यूशन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर सके। तो अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमाइड आयन से या आयोडाइड आयन सॉल्यूशन से, तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर दोनों से ज़्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन या क्लोराइड आयन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स लेके उनको कर देगा ऑक्सीडाइज इनटू ब्रोमीन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्लोराइड आयन सॉल्यूशन को, ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन को और आयोडाइड आयन सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखता है। सिमिलरली क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन ब्रोमाइड आयन सॉल्यूशन को और आयोडाइड आयन सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है क्लोराइड आयन्स में। नेक्स्ट हम अब हमने यहाँ पे देखा कि डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ कर रही है। सो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, और आयोडीन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन हम मूव करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स हैलोजन्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करते हैं। सो अब क्योंकि डाउनवर्ड ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी, और जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। तो हमने ये देखा कि जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो फ्लोरीन की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, आयोडीन क्लोरीन की थोड़ी ज़्यादा है, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आयोडीन है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे हैलाइड आयन्स और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान में। हैलाइड आयन हम लोग लेंगे सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन की रिड्यूसिंग पावर क्लोरीन और ब्रोमीन से क्लोरीन और फ्लोरीन से ज़्यादा है। सो हम यहाँ पे ब्रोमीन आयन और ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को लेंगे और उनकी रिड्यूसिंग पावर को देखेंगे, चेक करेंगे बाय ट्रीटिंग दैम विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन हैलाइड आयन एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ब्रोमाइड आयन को, कि जो ब्रोमाइड आयन है उनकी रिड्यूसिंग पावर किस कैसी है। ठीक है, सो हम लोग ब्रोमाइड आयन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे और ब्रोमाइड आयन क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करेगा और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दी ब्रोमाइड आयन्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मीन्स ब्रोमाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑक्सीडाइजिंग पावर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रिड्यूसिंग पावर से इनवर्स रिलेशनशिप है। जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों से रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करता है, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देता है। सो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड को देगा और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, इसलिए हम इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो आप ये कहते हैं कि जब ये प्रोसेस होगा तो आप ब्रोमाइड आयन्स लेंगे, ब्रोमाइड आयन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ब्रोमाइड आयन को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ब्रोमाइड आयन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड को दे देगा और सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रोमाइड आयन्स हैं वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकते हैं। सो अगर ब्रोमाइड आयन में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल में, Br2 में। सो दी ब्रोमाइड आयन रिड्यूसेज द सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रोमाइड आयन्स को आपस में रिएक्ट करवाएं तो ब्रोमाइड आयन क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, वो दो इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, सो सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। हमें कैसे पता चला कि रिड्यूस हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के ऊपर +6 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में
सल्फर के ऊपर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब है कि जो सल्फर है वो प्लस सिक्स से प्लस फोर में कन्वर्ट हुआ है। सो दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन किए हैं? ब्रोमाइड आयन से गेन किया है। सो सल्फर दो इलेक्ट्रॉन ब्रोमाइड आयन से गेन करके रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रोमाइड आयन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है टू रिड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप लोग इसकी ओवरऑल केमिकल इक्वेशन देखें, तो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ये शो करती है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट कराया ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन से, ब्रोमाइड आयन सोल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन सल्फर ने गेन किए हैं और सल्फर रिड्यूस हो गया है प्लस सिक्स से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन सल्फर डाइऑक्साइड में, और जो ब्रोमाइड आयन है वो खुद जो है ऑक्सीडाइज होकर माइनस वन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, मीन्स ब्रोमीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमने ब्रोमाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर को देखा कि किस तरह से ब्रोमाइड आयन सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोडाइड आयन की रिड्यूसिंग पावर। सो जब हमने देखा कि डाउनवर्ड हम मूव कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है। सो ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, तो आयोडीन जो है उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है वो ब्रोमीन से भी ज़्यादा है। सो ओवरऑल पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो किसकी है? आयोडीन की है, मीन्स आयोडाइड आयन्स की है। सो जब हम आयोडाइड आयन्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयोडाइड आयन सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसको डायरेक्ट प्लस सिक्स से माइनस टू में ले जाता है, मीन्स एट इलेक्ट्रॉन उसको देता है और इतना रिड्यूस करता है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सिक्स से माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। अब हम देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। अगर आप आयोडाइड आयन को लें, सो आयोडाइड आयन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ब्रोमाइड आयन के कंपैरेटिवली, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है आयोडीन में, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको रिड्यूस कर देता है इनटू H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में। सो आयोडाइड आयन जो है एक मॉलिक्यूल आयोडाइड आयन का दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा खुद किस में? दैट इज़ आयोडीन मॉलिक्यूल में, I2 मॉलिक्यूल में। अब रिडक्शन किस तरह से करता है सल्फ्यूरिक एसिड की? इसकी रिडक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंट स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप हम सल्फ्यूरिक एसिड से लेते हैं। सबसे पहले आयोडाइड आयन सॉल्यूशन क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड को प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस कर देता है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन देता है आयोडाइड आयन अपने और H2SO4 कन्वर्ट कर देता है इनटू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। H2SO4 में सल्फर में प्लस सिक्स चार्ज होता है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर में प्लस फोर चार्ज होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आयोडाइड आयन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो फिर आयोडाइड आयन सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू सल्फर। सल्फर के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है कि वो प्लस फोर से जीरो पे आए हैं, इसका मतलब उन्होंने फिर चार इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। देन जो सल्फर है वो फिर आयोडाइड आयन सॉल्यूशन से दो इलेक्ट्रॉन लेता है और जीरो ऑक्सीडेशन चार इलेक्ट्रॉन लेता है और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन लेता है और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखें सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है प्लस सिक्स चार्ज था, वो कन्वर्ट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में जिसमें सल्फर है प्लस फोर चार्ज था। देन सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ सल्फर में जिसमें जीरो चार्ज था। देन सल्फर कन्वर्ट हुआ इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जिसमें माइनस टू चार्ज है। सो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सिक्स से हाइड्रोजन सल्फाइड माइनस टू तक एट इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं और वो एट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? आयोडाइड आयन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और खुद कन्वर्ट हो गया सिंपल आयोडीन में। अगर हम स्टूडेंट्स ओवरऑल इक्वेशन देखें तो ओवरऑल इक्वेशन हमें ये बताती है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने एट मोल्स ऑफ आयोडाइड आयन से ट्रीट कराया है तो आयोडाइड आयन ने अपने एट इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड को दिए हैं और वो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, रिड्यूस हुआ। मीन ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है, एट इलेक्ट्रॉन्स लेके रिड्यूस हो रहा है और जो आयोडाइड आयन है वो खुद आयोडीन मॉलिक्यूल I2 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रोमाइड आयन ने सल्फ्यूरिक एसिड को सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड तक रिड्यूस किया था जबकि आयोडाइड आयन ने सल्फ्यूरिक एसिड को H2S तक रिड्यूस कर दिया है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ ग्रुप सेवन हैलोजन्स, दैट इज़ एसिडिटी। जो हैलोजन्स के हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं, मींस हैलोजन्स के जो एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, ये सारे एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एसिडिटी को हमने कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है। सो ऑल द हैलोजन एसिड्स इन द गैशियस स्टेट्स आर एसेंशियली कोवेलेंट। जितने
भी हैलोजन एसिड्स हैं, गैशियस स्टेट में कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन में मीन्स वाटर में डालते हैं सो ये आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होकर सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स देते हैं और एक्ट करते हैं एज अ एसिड. आपको पता है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू ब्रॉनस्टन लोरी कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है. तो जो जितने भी हैलोजन एसिड्स हैं इनको अगर हम वाटर में डालें एक्वस सोल्यूशन में डालें तो ये सॉल्वेटेड प्रोटॉन्स देते हैं. इट मीन्स दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर. तो अगर हम इनकी एसिडिटी की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है, तो अगर आपको एसिड की डेफिनेशन याद हो तो स्ट्रांग एसिड वो होता है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मीन्स प्रोटॉन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन में. सो जो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज करेगा वो सबसे स्ट्रांग एसिड होगा. तो अब अगर आप HF, HCl, HBr और HI को देखें तो इनकी बॉन्ड इनथैल्पी को देखें. HF की बॉन्ड इनथैल्पी हम लास्ट पॉइंट में लास्ट स्लाइड में डिस्कस करके आए हैं. HF की बॉन्ड इनथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है. देन जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड इनथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है. जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं सो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती जाती है और वीकर होती जाती है और बॉन्ड इनथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है. जितनी बॉन्ड इनथैल्पी कम होगी वो मॉलिक्यूल इतनी जल्दी डिसोसिएट होगा और प्रोटॉन उतने ज़्यादा देगा. सो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो एच आई मॉलिक्यूल देता है, इसलिए जो आयोडिक एसिड है वो सबसे स्ट्रांग एसिड है. क्योंकि स्ट्रेंथ जो है एसिड की वो किससे रिलेट करती है, एबिलिटी ऑफ एन एसिड टू डोनेट प्रोटॉन, कि एक एसिड कितने ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा. सो एच आई जो है उसकी बॉन्ड वीक है, बॉन्ड इनथैल्पी कम है, जल्दी ब्रेक हो जाती है और सबसे ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज करती है. इसलिए जो आयोडिक एसिड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. देन जो ब्रोमिक एसिड है वो उससे उसकी एसिडिटी उससे कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उससे कम है. और सबसे वीकेस्ट जो हैलोजन एसिड है दैट इज द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, क्योंकि HF की बॉन्ड इनथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो ज़्यादा प्रोटॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता. So HF ionizes only slightly while HCl, HBr and HI ionize completely. Hence HF is the weakest acid and strength of these acid increases from HF to HI. HF is the weakest acid. उसके बाद HCl, HBr and HI सबसे strongest acid जो है वो HI है. The weakest acidic nature of HF is due to the fact that the dissociation energy of HF bond in HF molecule is the highest and hence this molecule has least tendency to split up into hydrogen ion and fluoride ion in aqueous solution. Another explanation of the above order of acidic strength of HF acids can be given by finding out the relative order of the stability of the acidity of conjugate bases. Means agar aap inhi acids ki conjugate bases ko dekhe so HF is the weakest acid lekin iski jo conjugate base hai fluoride ion wo strong hai. So weak acid ki jo conjugate base hoti hai wo strong hoti hai. So aap inki conjugate bases ko dekhe to fluoride jo hai that is F negative wo strongest hai, then chloride usse weak hai, bromide usse weak hai aur iodide से कम है. सो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है उससे निकलने वाली जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो वीक होती है, और जो सबसे वीक एसिड होता है उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो स्ट्रांग होती है. सो HF इज द वीकेस्ट एसिड और उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज F नेगेटिव वो स्ट्रांग है. एंड HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और HI की जो कॉन्जुगेट बेस है आयोडाइड आयन दैट इज द वीकेस्ट बेस. सो आपने ये देखा कि जब हम HF से HI पे मूव कर रहे हैं तो जो बॉन्ड इनथैल्पी है उसको देख रहे हैं. HF की बॉन्ड इनथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी, डिसोसिएट नहीं होगी, इसलिए कम हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन्स देगी. और जो एसिड कम प्रोटॉन डोनेट करता है वो वीक एसिड होता है, जबकि HI की बॉन्ड इनथैल्पी की वैल्यू कम है, जल्दी डिसोसिएट होगी, प्रोटॉन्स देगी, और जो एसिड जितना ज़्यादा प्रोटॉन देता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. सो ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI, उससे वीक HBr, उससे वीक HCl और सबसे वीकेस्ट एसिड है HF. So this is all of our today's lecture. स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 13 मीन्स SNP ब्लॉक एलिमेंट्स को एंड कर लिया है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.